शेख का बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, जहां पर बड़ी खबर आ रही है गुजरात के भावनगर से। चीन से आए एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल को गांधीनगर भेजा गया है। बोर्ड परीक्षा 2023 वाले परीक्षार्थियों के लिए काफी बड़ी और अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सभी परीक्षार्थियों को काफी बड़ी खुशखबरी देते हुए आपको बता दें, 2023 की बोर्ड की परीक्षा में अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो दोस्तों उसको पास करने का संपूर्ण निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे आपको एग्जाम में अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको पास ही कर दिया जाएगा। दोस्तों इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है, देखिए इस पर कंफर्मेशन नहीं है लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले छात्रों को बोला गया था कि आपको 30% सिलेबस रिड्यूस रहेगा, उसके बाद 100% सिलेबस आपका करवा दिया गया, अब आपको 100% सिलेबस के साथ तैयारी करना है। इसी बीच बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो केवल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देके आप अगली कक्षा में प्रमोट हो सकते हैं। पहले बोर्ड में ये था, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो आपको एक साल दोबारा फिर से पूरी तरीके से पढ़ाई करना रहता था, लेकिन इस साल अब ऐसा नहीं किया जाएगा। आपको दोस्तों जिस सब्जेक्ट में फेल होते हैं केवल उसी सब्जेक्ट का अगर आप पेपर दे देंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफी बड़ी अपडेट है, इससे आपका पूरा साल बचा रह सकता है। इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन इस पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। दोस्तों ये हम ऐसा नहीं कह रहे, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। क्या ये बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।